नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि बीजेपी विधायक मदन दिलावर का विधानसभा से निलंबन गलत किया गया है, जिसके खिलाफ बीजेपी आवाज उठाएगी। यही नहीं, जब तक मदन दिलावर का निलंबन रद्द नहीं हो जाता, बीजेपी सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगी। राठौड़ पीएम के प्रस्तावित सीकर दौरे की तैयारियों को लेकर सूरजगढ़ पंचायत समिति में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक लेने आए थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मदन नहीं तो सदन नहीं के नारे के साथ बीजेपी मदन दिलावर के निलंबन को रद्द करवाने की मांग करेगी। राठौड़ ने कहा कि बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा के निलंबन से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। राजस्थान के विधानसभा में सरकार का हिस्सा थे, राजेंद्र सिंह गुढ़ा के साथ जो व्यवहार हुआ वो शर्मनाक था, उन्हें बर्खास्त किया गया। हमने मांग की थी सरकार वक्तव्य दे, किस आधार पर और क्यों भ्रष्टाचार हुआ, सदन चलता है, सत्र चलता है, तो इस प्रकार नए नियुक्त मंत्री और जिन मंत्रियों को हटाया जाता है उनके बारे में बात रखने की परंपरा रही है। अगर मदन दिलावर का निलंबन रद्द नहीं होता है तो हम सदन में कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर निलंबन रद्द होता है, उन्होंने मदन दिलावर ने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जिस पर उनको निलंबित किया जाए। गुड़ा जी अभी कांग्रेस विधायक दल के सदस्य है, अब इनको असंबद्ध करेंगे कांग्रेस, उसके बाद बात होगी। अभी तो कांग्रेस विधायक दल के सदस्य है, वो कांग्रेस के नेता जाने, पर मदन दिलावर हमारे विधायक दल के सदस्य है, हम उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। मदन नहीं